पहले कांडी घोष आप लोग को दिखा देते हैं कैसा बनता है। घोष लेने का, छोटे छोटे ट्यूब बना के लेने का, ब्रेड पिज्जा हो गया, चीज वाला। तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान शबानी के ब्लॉग में। तो आज नया ब्लॉग चालू करेगा, आज बन रहा है कांडी घोष, चिकन कांडी घोष और ब्रेड पिज्जा। ओह माय गॉड, जो बच्चों को बहुत पसंद है, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो लोग ऐसा हप करके मुंह में डाल देते हैं। तो आप लोग भी देखना, आप लोग भी डालना, लेकिन कैसा संभल के अटक नहीं जावे। आज आसान है और इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। तो आप चलो, आज रेडी करके रखी हुई मैंने, दिखाती है तुमको, फिर तुम लोग बनाओ, फिर हम लोग को बताओ कमेंट्स में कि कैसा बना है। तो हम लोग और कोशिश करें उससे अच्छा बनाने की, है ना, तो तुम लोगों को भी आसानी हो इंशाल्लाह। तो आइए फिर बनाते हैं ब्रेड पिज्जा कांडी घोष। पहले कांडी घोष आप लोग को दिखा देते हैं कैसा बनता है, पहले ये पूरा तुम लोग आराम से दिखा दे, उसके बाद पिज्जा देखने में भी तुम लोग अच्छा लगे। अभी क्या मिक्स करके दिखा दे, पहले ये दिखाओ दिखा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना। तो इसके लिए पहले आपको दिखाएंगे कांडी घोष। हाँ, सब क्या दिखाना चाहते हैं? कांडी धो रही है, साफ करके रखी। देखो ये अपने को ना घोष लेने का, छोटे छोटे ट्यूब बना के लेने का इसके। तो ये मैंने ली हूँ 300 ग्राम, क्योंकि अपन दो ही जाने ना, तो इसके लिए। अब इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे ना वो बता दी। उसमें जाएगा ग्रीन सॉस आता है ना वो, नमक और सोया सॉस, मतलब एक ही चम्मच ली हूँ मैंने, एक चम्मच ग्रीन सॉस, एक चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टमाटो सॉस ली मैंने, और अदरक लहसुन का 1 चम्मच ली हूँ, और कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच, जितना तुमको दिखा चाहिए उतना डालो, और आधी चम्मच मैंने काली मिरी ली हूँ, और रेड चिली सॉस है ये भी मैंने 1.5 चम्मच ली थोड़ा तीखे के लिए। और उसके अंदर ना ट्यूब है ना ये शिमला मिर्ची और प्याज, जो उसको अपन साथ में कांडी के लगाएंगे। तो पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करनी है। चलो ठीक है, आगे दिखाओ। पहले जाएगा ग्रीन सॉस, मतलब कुछ भी डालो, पहले कुछ भी डाल सकते, पहले ये डालो, एक साथ भी डाल सकते हो। हाँ, नमक, टमाटो सॉस, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और रेड चिली, ये सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देने का। हाँ, और उसको जितना मैरिनेट करके रखोगे ना उतना टेस्ट अच्छा आता है। मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के फटाफट 11 बजे ना सब मिला के रख देती हूँ, और शाम को बताओ अभी से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बोलो, बनता नहीं पहले खुशबू आ जाती है। तो फिर जैसा बनता है, जैसे कांडी में जाता है घोष और वो जो शिमला मिर्ची है, कांदा है, तो फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। तो मैं जैसे कहा था कि कांडी घोष जैसा तैयार होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, तो तैयारी करने जा रही है वो, तो आप लोग देखो और उसको ध्यान से बनाओ। बोल। देखो मैंने ये ले ली, अब इसमें ना 2 अंडे मैंने फेंट लिए अंदर, फेंट के रखने का, और ब्रेड क्रम्स निकाल लिए और तेल गरम करने रख दी। अब एक लेने का कांडी, उसके अंदर एक डालेंगे अंडा, एक डालेंगे चिकन का पीस, एक डालेंगे शिमला मिर्ची, फिर एक डालेंगे ये, फिर एक डालेंगे प्याज। जैसे आपको लंबी कांडी चाहिए, लंबी कांडी भी ले सकते हो। यस, है ना। और इसमें फिर एक डालेंगे शिमला मिर्ची, और इसको इसमें अंडे में लेंगे। ये इसके लिए मैंने प्लेट ली, क्योंकि प्लेट में ना अच्छे से ना हाँ मिलेगा अंडा, इतना उसमें करते ना अपन तो नहीं होता है। इसमें लेके फिर एक ब्रेड क्रम्स में लेने का, जैसे ठंडी में झुरियाँ कैसी हो जाती है, सूख जाती है थी मुर्गी, ब्रेड क्रम्स में जाके सूख गई। नहीं, अच्छी माशाल्लाह क्रम क्रम बनेगी, बहुत अच्छा बनेगा, खाने में मजा आएगा, एकदम टेस्टी लगेगा। इसको बना बना के यहाँ पे रखते जाएंगे, तो बना के रख देती है, फिर तलने की बारी आएगी तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फिर आप लोग फिर देखिए। गर्म हो चुका है, उसके अंदर जाने वो लोग तैयार है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा डालने का तेल के अंदर, है ना। yes. ये थोड़ी कॉमेडी करता हूँ, बुरा नहीं मानना। तो अब ये नहा धो के निकलेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तैयार होकर कैसा लगते हैं, है ना। तब तक के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, तो इसको घड़ी घड़ी का उल्टा सीधा करना पड़ता है। नहीं, एक दो बार ही पलटाने का, ज़्यादा नहीं पलटाना, एक जगह से अच्छा पल गया ना,
खुशबू आ रही लेकिन ये मत बोला कि हर बार बोलते बनाते खुशबू आ रही, खुशबू आ रही तो मैं बोल रहा कि खुशबू आ रही है। अब इसके बाद क्या बनेगी? अभी ब्रेड पिज्जा बनाऊंगी। ब्रेड पिज्जा, ब्रेड पिज्जा वो भी दिखाई है ना तो बताऊंगी। बारी आ गई है पिज्जा की, जो ब्रेड पिज्जा है वो बनाने जा रही है शेफ, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा बनते, क्या क्या मिलाते, वो सब आपको शेफ दिखाइए ना शेफ। क्या मिले? देखो ये मैंने ना चिकन को बॉईल कर दी थी और उसको रेशे रेशे कर दी थी, तो मैं ना लेग कैसे रहती थी उसके लिए चिकनी बोटी है। आप लोग का सूखा रहेगा तो पतली बारीक बारीक करने का, मेरे को थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है तो मैं मोटा मोटा करती हूँ। अब इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच है ना मायोनीस, और 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस, और बारीक चॉप कर टमाटर, और बारीक चॉप करी और शिमला मिर्ची, सबको अपन मिक्स कर देंगे। अभी बाद में इसकी टॉपिंग के लिए बाद में फिर बताऊंगी कि ऐसा, मतलब जो पकाने का टाइम लगेगा ना फ्राई करने का, तब उसको मिला के ब्रेड पे लगा के इसके ऊपर टॉपिंग डालने का, थोड़ी चिल्ली फ्लेक्स है सब डालने का, सब चिपक जाते हैं। गर्मी है ना। अरे पिज्जा सॉस सबको अच्छे से मिक्स कर देने का, इसको हाथ से नहीं करने का, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन चम्मच से करेंगे तो अच्छा नहीं, हाथ से भी मिला सकते हैं, सब कुछ नहीं एकदम मस्त मिल गया। अभी से वो मायूस की खुशबू आ रही है पिज्जे की, है ना, पिज्जा सॉस है उसकी खुशबू अच्छी आती है। तो चलो अभी मिला के रख दिए, अभी मैं जाऊंगा ब्रेड लेने, ब्रेड लाता हूँ, अभी वो कैसा बनाते हैं फिर आप लोग को मैं बताता हूँ, है ना शेफ? यस, करना तुम्हारा काम है ना, ये बनाना सिर्फ बनाना तेरा और खाना पुन दोनों का है। तो कांडे गोश्त बन चुका, अभी वो जो बन रहा वो क्या भैया, क्या ब्रेड, क्या ब्रेड पिज्जा, ब्रेड पिज्जा बना रहे, क्योंकि हम लोग कम कम बना रहे क्योंकि हम दो जाने हैं तो हम लोग इतना नहीं खाते इसलिए कम बना रहे। अभी इफ्तारी बाद या नमाज बाद जो बच्चे लोग आएंगे तो लोग के सामने गर्म गर्म बना के वो लोग को देंगे तो लोग को भी अच्छा लगेगा, अभी बना के रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा तो मतलब नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से कम कम बना रहे हैं ना शेफ। सही बोला ना? यस, तुम हमेशा सही बोलते, गलत तो बोलते। ब्रेड लिए, ये ब्रेड के ऊपर इसको रख देना, जो पुणे मिला के रखे थे, जो पुणे टॉपिंग पूरी मिला के रखे थे ना, उसका मैरिनेट करके और सब अच्छे से मिला देना, इसको अच्छे से पूरा फैला के पूरे कोने में। मैं सुफियान को, नौशीन को बहुत पसंद है, और तवा मैंने गर्म होने रखती हूँ, नॉन स्टिक का फ्राई पैन, डालेंगे तो चिली फ्लेक्स, जितना तीखा चाहिए उतना डालने, मैं ज़्यादा नहीं डालती, और थोड़ा कम लगता है ना, थोड़ा ऑरिगेनो, और इसके ऊपर जाएगा चीज़। ये हो गया अपना, क्या इसको भूल जाता हमेशा, ब्रेड पिज्जा हो गया, चीज वाला है ना, अभी इसमें अमूल मस्का भी चला जाएगी, इसके ऊपर ये रख देंगे। तो कितने मिनट में होगा ये देखो, थोड़े है ना, तो ये जैसे जैसे ये उतर के सीधा प्लेट पे आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चीज बिगड़ जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा, तो जैसा बन के रेडी होता है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फिर खा लूँगा उसके बाद। तो रेडी हो चुका है पिज्ज़ा और वो जो है कांडी गो, सब रेडी हो चुकी है और शॉप उसको लेके खड़ी है और वो दिखाना चाहती है तुम लोगों को कि कैसा बना, देख लो आप। बोलो चले, बहुत हो गया ना, yes. इसमें से बचेगा है ना, नहीं हो जाएगा, दो काटी तुम्हारी, दो मेरी, एक पिज्जा तुम्हारा, एक पिज्जा तुम्हारा, बाद में जान के बाद में जो बच्चे लोग आएंगे ऐसे मिलके खाएंगे। अभी फ्रूट्स काट लेती हूँ। चलो ठीक है, तो चलो अभी बन गया, अभी अब बच्चे लोग आएंगे खा के बताएंगे कैसा बना, फिर मैं आप लोग, तो जैसे मैंने कहा था कि बच्चे लोग आएंगे और खाएंगे, खा के बताएंगे कैसा बना, तो वो सब बच्चे आ चुके हैं, फिर से घर मेरा हरा भरा हो चुका है और मजा आ रहा है मेरे को, है ना नौशीन? तो खाए कैसा बना, क्या बना रहे मम्मी मेरे, बना रहे, इधर निदा खा रही है, बहुत अच्छा बना है, अच्छा बना है ना, मैं बोला बच्चे लगे जब गरम गरम बनाना अच्छा लगेगा, सुफियान नहीं खा रहा, लेकिन मम्मी को ये चिकन नहीं अच्छी लगती यार, तू मम्मी इसको चूहा चिकन बना के दो, मम्मी ये सूखी चिकन नहीं अच्छी लगती, इसको चिकनी चिकन लाना था, और ये जो है जो दानिश और नौशीन ने दिए है वो माशाल्लाह। तो अभी नौशीन भी खाएगी ब्रेड पिज्जा, भी खा के बताएगी कैसा बना,
तो मैं आप लोगों को, तो अब बन चुका है, क्या बोलते हैं, भूल जाता मेरी फैमिली कंप्लीट, मेरी फैमिली कंप्लीट। लेकिन एक बनाई क्या तूने, ब्रेड पिज्जा? हाँ ब्रेड पिज्जा, ये देखो नौशीन खा रही है। नौशीन कैसा बना है, एक नंबर है ना, आइजल नहीं मांगती है बता, ये देखती है आइजल दानिश कैसा है बेटा, और तू बस अरे बाप रे बाप नीता देख कैसा बना सूप, अच्छा बना ना, अरे हेलो वहाँ पेट भर के आ ले तो इसे मजा नहीं आ रहा है। नीता कैसा बना हो तो बोलो, बनाई थी इसने पिज्जा, इसकी मम्मी तबीयत खराब हो गई, वही बोले मम्मी तबीयत खराब, पिज्जा क्या बनाया तुमने, कटलेट और ब्रेड पकोड़ा, वो भी बनाएंगे अच्छी खाने वाली रेसिपी, हम लोग की कॉम्पिटिशन है अभी हम लोग एंड पकोड़ा बनाने वाले भाई जो भी बोले ध्यान देना से हम लोग का ही देखना, बाकी ये लोग बोलते रहते दो तीन डालेंगे अरे बाप रे बाप, एक दिन का मुझे ना कॉम्पिटिशन करते हैं खाने का, ये बनाएगा किसी तीसरे पर्सन को लाएंगे, गाय चलो तो ऐसी शेर है, कुछ बनाएंगे नहीं मालूम, बनाएंगे भी ना सिर्फ हम लोग का ही देखना, किसी का मत देखना, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। सुनी हाँ ये बात तो सही, अच्छा गाय सबका देखना बाबा, जिसका अच्छा लगे उसको करना बस खुश। चलो नाना बोलता था दो तीन और ले लिया, झूठा एक नंबर का ये, अरे वह दोनों ने साफ कर दिया है, एक एक दिया, यानी बता रहा है कि एक एक दिया और तो, लेकिन नहीं है तो क्या करूं, लेना। चलो तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ, नहीं दबाओ फिर भी दबाओ, रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बताओ कि हम लोग ने बनाया। टिंग टोंग।